हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, आज है 2nd of April और आज जो है रमजान का चांद नजर आ चुका है माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मेरी और मेरी पूरी इंटायर टीम की तरफ से आप लोग सबों को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि हम सबों का रमजान खुशी से और अच्छे से गुजरे और अल्लाह बहुत सारी रहमत करे हम सबों पे। और बहुत सबसे जो हमारा जो पाक महीना होता है वो मतलब आज से शुरू हो गया है। सो बहुत ही खुशी की बात है, तो मैंने बोला चलो सबसे पहले जो आप लोगों को मुबारकबाद दे दूं। और अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, तो बस अभी साहिबा का फ़ोन भी आया था कि जब आइएगा तो आप सब राशन लेके जाना है अभी, क्योंकि सबका अभी एक महीने का शेड्यूल आज एकदम चेंज हो गया है। तो अभी जाना है मेरे को, अभी निकल जाऊँगा थोड़ी देर में घर, फिर जाके थोड़ा सा जो भी है सामान वामान लेना है रमज़ान का स्टॉक करवाना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है, तो मुझे भी करना है। और उसके बाद मैं जो आपको आज रात में हमारी पहली सहरी है माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मैं आज आपको पूरी सहरी दिखाऊंगा कि हम कलकत्ते में सहरी में ज़्यादा से क्या खाते हैं और हमारे क्या क्या मिलता है सहरी के टाइम। और बाहर का भी आपको माहौल दिखाऊंगा कि रात में 3 बजे 4 बजे सहरी के वक्त क्या माहौल होता है। तो आज का ब्लॉग जो है बिल्कुल सहरी, पहली सहरी का स्पेशल है, तो आप लोग पूरा देखें। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में। और हाँ, सेकेंड पार्ट अब जो इसके बाद वीडियो आएगा उसमें मैं अवतार का भी दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ सहरी का दिखाऊंगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं अवतार सहरी दोनों का दिखाऊंगा। तो इसलिए सहरी का मैं अलग कर रहा हूँ, अवतार का अलग। और अभी इंशाल्लाह रमज़ान आ गए हैं तो ज़्यादातर वीडियोस आएंगे, एक दिन या दो दिन गैप कर करके मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अपडेट मतलब अपडेट रहूँ आपके साथ। सो बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम बैक हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल। हंस रही हैं, ये हंस रही है। मैं ये डाल, ये मैं एडिट नहीं करने वाला, मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों हंसी क्यों आ रही है, पता नहीं बस आ रही। ज़्यादा खुश है, रमजान आ गए तो खुशी की तो बात है भाई हम मुसलमानों के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं घर तो आ गया था टाइम से ही, तो उसके बाद जो सामान लाना था सब रख दिया। मतलब सामान क्या, वही सब चना तेल, उसके बाद और क्या, आलू प्याज चीनी बेसन, यही सब था तो ला के रख दिया मैंने। और अभी जो है बज रहा रात के 1:20, तो कलकत्ता में जो हमारा लास्ट सहरी का जो आज टाइम है 4:13 तक है, लेकिन मुझे सुबह ऑफिस भी जाना रहता है। तो मैंने यही बोला है कि साहिबा हम लोग जो है राती में मतलब क्या बोलते हैं सहरी वहरी करके एक साथ सो जाएंगे। हाँ। क्योंकि अगर मैं अभी सोता हूँ तो फिर मुझे पता है कि मैं उठने वाला नहीं हूँ 4 बजे या 3 बजे जब भी। तो इसलिए मैंने ये बोला कि चलो 2:30 तक जागते हैं, 2 बजे तक हम लोग ऐसे भी जागते ही हैं अभी। हाँ। तो 2 बजे तक सहरी वहरी करके एक साथ सो जाएंगे, फिर आराम से सुबह उठूंगा तो फिर अपना काम में चला जाऊंगा। सो अभी बज रहे 1:20, तो थोड़ी देर में मैं 2:45 तक मैं नीचे उतरूंगा तो आपको लेके भी जाऊंगा। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी ही देर में। फ्रेंड्स, अभी 2:30 बज रहे हैं, हम लोग जो है निकल चुके हैं घर से, तो जा रहे हैं अभी जहाँ दालपूड़ी लेना, आपको दिखाते हैं। और अभी भी माशाल्लाह एकदम रौनक है रास्ते में, ऐसा लग रहा है कि शाम के, अभी शाम के तो नहीं रात के, जैसे 9:30 बज रहे हैं, तो काफ़ी चहल पहल है माशाल्लाह, रौनक भी है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं आपको थोड़ा सा रास्ते का भी दिखाता हूँ माहौल कैसा है यहाँ पे अभी इस टाइम 2:30 बजे।
मैंने आपको जो भी था माहौल आपको दिखाई दिया, तो नीचे जो गया वहां का और जो भी हमने किया बाहर में, ऐसा कुछ करने का था नहीं, जो भी नॉर्मल मैंने जो सैरी ली वो आपको दिखाया। और सैरी का मैंने ज्यादा रिव्यू कुछ नहीं ऐसा दिया, क्योंकि उसमें क्या ही रिव्यू दूं, सैरी थी तो बस दिखाई दिया कि हम यहाँ पर सैरी में क्या क्या करते हैं। तो जी हाँ, हम जो है कलकत्ता से जो भी है, हमें सैरी में कुछ मिले नहीं, मिले दालपूड़ी अगर मिल जाए तो बस बात बनी गई। तो हम लोग यहाँ के लोग ज्यादातर दालपूड़ी खाते हैं, बहुत से लोग पराठा भी प्रेफर करते हैं, ब्रेड रोटी भी खाते हैं, कोई लच्छा खाता है, लेकिन मैं और मेरे घर में हम लोग सब ज्यादातर पूड़ी और सब्जी यही सब खाते हैं। तो जो भी था ना, मैं आपसे शेयर कर ही लिया है। तो इंशाल्लाह अब जो कल या इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो अफतारी का मैं वीडियो डालूंगा। और अभी रमजान में शायद काफी वीडियोज आने वाले होगा, तो अभी मैं स्ट्रीट फूड बहुत सारे कवर करूंगा। और जकरिया स्ट्रीट में भी रमजान कम से कम 10-12 रमजान के बाद क्या माहौल होगा, बहुत माशाल्लाह वहाँ पे भीड़ होती है, बहुत ज्यादा देखने का नजारा होता है। तो 10 रमजान के बाद वहां भी जाऊंगा और बहुत से कलकत्ता के स्ट्रीट फूड अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो अगर आपको एकदम जबरदस्त अच्छे से अच्छा स्ट्रीट फूड देखना है कलकत्ता का, तो आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल नबील हसन ब्लॉग्स को, क्योंकि एक से एक फाड़ू अभी वीडियो आने वाले हैं इस महीने। सो अगर यहाँ तक आपने इस ब्लॉग को देख लिया फ्रेंड्स, तो प्लीज नबील हसन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करके बन जाए मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। और प्लीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार यूं ही बरसाते रहें। और अगर थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें और बने मेरी फैमिली का हिस्सा। और रुको, मैं याद कर लेता हूँ उसके बाद में। अब याद आ गया मुझे, तो चलिए फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और इंशाल्लाह कल जो है पहली अफतारी का भी मैं डालूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय।